नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जाम डेट को लेकर। 2019 में भर्ती की नोटिफिकेशन आउट हुई और 2019 से लेकर 2022 हो गया है, लगभग आपके पास 2 साल बीत चुके हैं और आपकी एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। बार बार आप सभी लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी किए हैं, बहुत जगह आपने ITI लगाई है, बहुत सारे लेटर्स भी आपने हेडक्वार्टर में डाले हैं, बट कोई भी उम्मीद की किरण आपको दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, आखिर आपका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, आखिर में कंडक्ट करवाया भी जाएगा या नहीं भी करवाया जाएगा, कभी इसको कैंसिल ही कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर हम पूरे ओवरऑल एक चीज की बात करते हैं कि अभी एक्चुअल में चल क्या रहा है अंदर, देखिए अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, आपकी SI LDC की भर्ती का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फायर वाला है वो प्रोसेस है, उसके बाद आपका जो HCM वाला है वो प्रोसेस बच जाता है, ठीक है। लेकिन बात ये सवाल या निशान यही उठता है कि बच तो बहुत टाइम से रहा है, 2 साल से बचा ही हुआ है, लेकिन आखिर में इसका एग्जाम कंडक्ट कब तक करवाया जा सकता है। तो देखिए, यहां पर चंद उम्मीदें आपके पास हैं, यहां पर कोई भी आप ठोस चीजें आपके पास नहीं है, ठीक है। यहां पर कुछ उम्मीदें आप बरकरार रख सकते हो कि जिस प्रकार SI LDC का प्रोसेस चल रहा है, फिर फायर हो गया, उसके बाद आपका HCM बनता है, तो इसका प्रोसेस भी कंप्लीट करवाया जाए। अब बात उठती है कि कब तक कंप्लीट करवाया जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर लगता है कि आपका जून के 2nd वीक तक कोई ना कोई आपको अपडेट दी जाए, कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन दी जाए और आपके एग्जाम के प्रोसेस को जुलाई से पहले कंप्लीट करवाया जाए, जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो सुनने को यही मिल रहा है कि जुलाई से पहले आपके प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाए, बट यहां पर ये जो चीजें हैं कि सुनने को मिल रही हैं, ये आपको आज से सुनने को नहीं मिल रही है, ये आपको बहुत पुराने टाइम से सुनने को मिल रही है। सो यहां पर हम अब किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, हां हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई कहीं से कोई खबर आई है तो एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप इस चीज को मानना, अब विश्वास यहां पर उठ सका, क्योंकि सरकार एक ऐसी मोड पर आ चुकी है जहां पर मुझे नहीं लगता सरकार के पास कुछ भी बचा है जॉब देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, कुछ दिनों में अगर श्रीलंका वाला हाल यहां पर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज बेकाबू होती जा रही है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप बच्चों को बेरोजगार कर दो, बच्चों को ओवरएज कर दो, बच्चों की नौकरियां खा जाओ, ठीक है, ऐसे करके राजनीति नहीं चलती है। यहां पर इन्होंने गलत ट्रैक पर चढ़ गए, सीधा बात है भर्ती निकालेंगे, चाहे आप कोई भी निकाल लो, चाहे आप जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कर रहे थे उनका भविष्य बेकार है। 2019 का आपने देखा होगा, वहां पर उनको एज में रिलैक्सेशन मिलना था, इस बार आ जाती है नोटिफिकेशन आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या हो गया, उनका भविष्य को वैसे ही लात मार दी गई है। सेम चीजें आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं, सब चीज आपके साथ की जा रही है। सो ऐसे में यहां पर सोए हुए को जगाने के लिए अब आपको अगर जुलाई तक जून तक कुछ नहीं होता है, अगर जून तक आपको मई एंड या जून के 1st वीक में कोई नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो अपने को कोई और स्टेप, हार्ड स्टेप्स यहां पर उठाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ऐसे से कुछ नहीं होगा, क्या इतने से फर्क पड़ेगा, ना हम ट्विटर पे जाएंगे ना हम कहीं और जाएंगे, तो कुछ बच्चे हैं वो मिलाकर क्या कर लेंगे। तो याद रखिएगा, वो सोया है उसे जगाने वाला चाहिए, वो सोया है उसे जगाने वाला चाहिए, मेरी भी एक कहानी है उसे कोई सुनाने वाला चाहिए, माना मैं अकेला बदल नहीं सकता इतिहास, माना मैं अकेला बदल नहीं सकता इतिहास, लेकिन इतिहास बदलने के लिए कोई आग भड़काने वाला चाहिए। सो सेम चीजें याद रखो, माना आप इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ बड़े इतिहास को बदलने के लिए आपको आग को भड़काने वाला होना चाहिए। सो आप सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप एकजुट होंगे तो चाहे आप 10 हो चाहे 50 हो, हिला दोगे आप सभी लोगों को। सो अभी खबर यही है कि आपके जो है जुलाई तक आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर दिया जाएगा, मई एंड तक या जून के 1st वीक तक अगर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इन पर्सन जाकर CISF के बाहर जाकर एक बार बात की जाए, ट्विटर चलाया जाए या क्या कुछ किया जाए, बट जहां तक खबर है जून 1st वीक तक आपको और हम एक बार वेट करेंगे, उसके बाद आगे हम मैदान में उतरेंगे या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतरेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल के लिए खबर यही है जुलाई तक आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि फाइनल लास्ट तक कब तक आपकी सब कुछ हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी तक उम्मीद है कि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी के लिए आपने इतना वेट किया है तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद
एक बड़ी अलगार होगी। जितने भी हमारे जितनी भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, वो सब उसमें बह जाएंगे, सब उसमें उड़ जाएंगे और फाइनली हमारा हक हम लेकर रहेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।